मतदाता निर्वाचन नामावली में मतदाताओं के नामों को चस्पा करने के लिए तैयारियों को किया जा रहा है। मुरादाबाद के सदर तहसील कार्यालय पर मौजूद रहे उपजिलाधिकारी सदर परमानंद सिंह द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी है, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। बीएलओ अपने कार्यों में लगे हैं और बूथ स्थल पर जाकर अपना काम भी कर रहे हैं। जो युवा 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे अपने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए बीएलओ से मिलकर फॉर्म 6 भरकर जमा करें, ताकि समय रहते उनका पहचान पत्र बनाया जा सके और मतदाता सूची में नामों को चस्पा किया जा सके। सिटी चैनल से बात करते हुए उपजिलाधिकारी परमानंद सिंह द्वारा कहा गया, अभी माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसमें जिन मतदाताओं का की उम्र 18 वर्ष 1 जनवरी 2023 को हुई है, उनके संबंध में उनके नाम जोड़ने के लिए 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक विशेष परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उसमें जितने भी दावे आपत्ति आएंगे नाम जोड़ने के संबंध में या फिर संशोधन के संबंध में या फिर डिलीशन के संबंध में, तो बीएलओ बूथ पर बैठेंगे उन 8 दिनों में और जितने भी दावे आपत्ति आएंगे उनका निस्तारण करेंगे। उसके बाद 18 से 22 तक उन दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 1 अप्रैल को फिर फाइनल पब्लिकेशन हमारी लिस्ट कर दिया जाएगा। क्या अपील रहेगी सर इस अभियान को लेकर के? सर इस अभियान को लेकर के आमजन से क्या अपील रहेगी? आमजन से यही अपील है कि जो मतदाता 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वो अपना वोट जरूर अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क करके अपना वोट जरूर बनवा लें और मतदान की प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभाएं। और अन्य भी लोग जिनके नाम छूट गए हैं या फिर जो है इस दौरान अगर किसी की डेथ हो गई हो या फिर किसी अन्य कारणों से वो शिफ्ट हो गया हो, तो उसके नाम को हटाने के लिए भी इन 17 तारीख को दावा पत्र प्रेषित की जा सकती है। तो जिसको भी इस मतदाता सूची में के संबंध में अगर कोई भी चीज़ है तो अपने बीएलओ से संपर्क करके या अपना फॉर्म जो अपने तहसील में जमा करा के